ये है वतन लौटने की खुशी। यूक्रेन से तेजस्विता लौट चुकी हैं, परिवार ने राहत की सांस ली है और चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। यूपी के इटावा की रहने वाली तेजस्विता बड़े अरमानों के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए विदेश गई थी, लेकिन रूस के हमलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मजबूर होकर वतन लौटना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने के लिए पूरा परिवार पहुंचा है। समझ सकते हैं कि लाडली का वतन वापसी की कितनी खुशी है। यूक्रेन पर जब रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे तब तेजस्विता वहां पर थी। युद्ध के इस हालात में वो वहां किस स्थिति में फंसी थी, वतन लौटकर खौफ व डर का मंजर बयां किया है। यूक्रेन में फंसी तेजस्विता उज्बेकिस्तान लौटी हैं, फिर वहां से शताब्दी एक्सप्रेस से इटावा आई हैं। रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। यूक्रेन में 24,000 भारतीय फंसे हुए हैं जो वतन लौटने के लिए तड़प रहे हैं। इन लोगों ने केंद्र सरकार से सभी लोगों की वतन वापसी की मांग की है। सर, मैं अभी यूक्रेन में विनित्सिया रीजन में पढ़ती हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तेजस्विता नाम है मेरा। और अभी जिस हालात से मैं गुजर के आई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो दोस्त वहाँ पे फंसी हुई हैं वो वहाँ पे रहें। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी फ़्लाइट के रेट कम करा के यहाँ पे बुलाया जाए। वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन है, वहाँ पे कुछ नहीं पता कि कब आप पे मिसाइल गिर जाए। तो वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ कुछ भी नहीं बता रही हमें, कोई उसका हमें एक अश्योरिटी दे रही है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। हमें रियलिटी नहीं बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, यहाँ जल्दी से जल्दी आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 15,000 बच्चे फंसे हुए हैं इंडिया के। तो अभी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, बच्चे सारा टाइम शूज़ पहन के रह रहे हैं, एक डर बना हुआ है उनके मन में। मेरी रेगुलरली अभी मेरी दोस्तों से जो वहाँ पे फंसी हुई हैं उनसे बात होती है, तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि वहाँ एक सायरन बजता है, वो सारा टाइम अपना बैग पैक रखते हैं, शूज़ पहन के रहते हैं, जैसे ही वो सायरन बजता है उन्हें सबको अंडरग्राउंड जाना होता है। वो जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो वो बाहर आते हैं। फिर वही चीज़, ना वो सो पा रहे हैं ना वो खा पा रहे हैं, खाने की शॉर्टेज हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि जो यूक्रेन के बॉर्डर हैं वो आज सील कर दिए गए हैं, ना कुछ बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। क्योंकि अभी बीच में बात हुई थी अभी लेटेस्ट में कि बच्चों को दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा, वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन वो चीज़ भी कैंसिल हो गई। बच्चे पहुँचे थे स्टेशन पर कि हम जल्दी से जल्दी ट्रेन में बैठ के कहीं सेफ जगह निकल जाएंगे, बट पूरे यूक्रेन के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सारे के सारे बच्चे वहीं हैं। फ्लाइट्स का जो है, फ्लाइट इतनी महंगी है कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। 80,000-60,000 जो बच्चे वहाँ लोन पे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी जल्दी कि वो 80,000 के फ्लाइट करा के अपने बच्चों को वापस बुला सके। जंग के माहौल से वापस आई, अब कैसा लग रहा है? सर, मैं अपने आप को बहुत सेफ़ और लकी फील कर रही हूँ इस टाइम कि मैं इतना सब होने के बावजूद मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो उड़ी है वो आखिरी फ़्लाइट थी अभी तक की, उसके बाद से अभी एक भी फ़्लाइट यूक्रेन से बाहर नहीं गई है।